क्राइम ब्रांच को बताएगी, वो स्पॉट बताएगी जहां पर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया गया था। और इस पूरी घटना में क्राइम ब्रांच यहां की वीडियोग्राफी कराएगी, तमाम रस्ते बनाएगी और यहां पर जो सीसीटीवी फुटेज है उनको भी खंगाला जाएगा। महाराज के पाली स्थित आश्रम पहुंच चुकी है। यहां पर पूरी जो घटना हुई थी वो लड़की, पीड़ित लड़की क्राइम ब्रांच को बताएगी, वो स्पॉट बताएगी जहां पर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया गया था। और इस पूरी घटना में क्राइम ब्रांच यहां की वीडियोग्राफी कराएगी, तमाम रस्ते बनाएगी और यहां पर जो सीसीटीवी फुटेज है उनको भी खंगाला जाएगा। बस लगे हैं काफी संगीन है, उन पर किस तरीके से आप आगे अगला कदम क्या रहने वाला है? पुलिस की जांच में हम पूर्ण सहयोग करेंगे। लेकिन सहयोग क्या कर रहे हैं? आपने बताया कि सोमवार को जो है बाबा सहयोग करने जाएंगे, दिल्ली सहयोग करने के लिए जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो शनिवार को जब पुलिस आई तो यहाँ पर तो बाबा है ही नहीं। नहीं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। पुलिस आश्रम में क्या जांच करने आई है उसी के बारे में हम बता दें। चलिए, अगला कदम क्या रहने वाला है बता दीजिए। अगले कदम के बारे में जो भी पुलिस जांच करती है उसके बारे में सहयोग करेंगे। इस समय बच्चों के शिक्षक जिनका मुंह बांध यहाँ पे लाया गया सर, जिस तरह के लाठी महाराज के ऊपर जो आरोप लगा है नाबालिग द्वारा वो किस हद तक सही है? जहाँ तक हमें विश्वास है, स्थानीय निवासी इस प्रकार के आरोप करते हैं वो इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकते, ये अविश्वसनीय है। इस प्रकार के आरोप होते हैं जो हमें पूरी आसपास की जनता और गांव के लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं है इस बातों के ऊपर कि वो ऐसा कभी कार्य सपने भी नहीं सोच सकते। इस प्रकार बच्चों के लिए वो कार्य करते आ रहे हैं और तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये यथार्थी असत्यवाद। पहले भी सर आलावास की जनता द्वारा यह आरोप लगाया जा चुका है कि जो ये जमीन है आलावास में जिसके ऊपर दाती महाराज ने कब्जा कर रखा है, ये बात सत्य कहाँ तक सही है? इसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ ज़्यादा कि कितना सत्य है, लेकिन ये भी सत्य बात नहीं है। इन्होंने जो भी काम किया सर, ये जो आरोप लगाए ये आपके गांव की जनता द्वारा ही लगाया गया है कि जो ये गोचर भूमि थी जिसको आरोप किया गया है? आरोप तो लगाने को कोई किसी के ऊपर लगा सकता है, इसको तो आप नहीं मान सकते। एक दो आदमी को कहने से ये गलत हो सकता है तो नहीं है, ये आरोप झूठे हैं, ऐसे आरोप सही नहीं है।
लेकिन जहां तक हमें इस बारे में जानकारी है कि जो ये आरोप लगाया गया है वो पीड़िता इसी जो हमारे आश्वासन बाल गृह संस्थान है उसी के अंदर ये छात्रा अध्ययनरत थी, जिसने वह दाती महाराज के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि उनके साथ दुष्कर्म जैसा मामला हुआ है। ये भी आरोप बिल्कुल अविश्वसनीय है, कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो इतने बच्चों को जो संस्कार दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लड़कियों के बारे में जितने अच्छे परोपकार के कार्य कर रहे हैं, ये बिल्कुल असत्य बात है, अविश्वसनीय है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम सबका यही मानना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गाँव वालों की जो राय आ रही है दाती महाराज के सामने वो एकदम अलग तरीके से नजर आ रही है। सर आप इस बारे में? मैं हूँ। आपने ये कहा कि दाती महाराज ने आप जमीन पर कब्जा कर दिया है, सर दाती महाराज इस पर नियम कानून के अनुसार लीज पर लिएगा, पंचायत ने एनओ से ये बकाया विधि बताओ, विधि विधान से लीज पर लिया की कब्जा किया कानूनी तौर पर लिया, और दाती महाराज ऐसा इन्होंने करते कभी कर ही नहीं सकते। अगर करते तो वो बच्चे 10 साल रही उसके नाबालिग के रूप उम्र में भी कर लेते, ऐसा क्यों नहीं कहते हो? 10 साल यहाँ पे रही है, अभी हम देखने जा रहे हैं कि अभी जो अंदर जांच हो रही है उसके ऊपर क्या फैसला, जो अंदर जांच कमेटी बैठी है दिल्ली से आई हमारे बीच कमेटी आई हुई है, उनकी क्या जांच निकलती है उसके बारे में क्या राय है, थोड़ी देर बाद देखते हैं।